हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड रीजनिंग का सवाल सॉल्व करेंगे। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इसके पहले मैं पार्ट वन वीडियो बनाया था जिसमें वेन डायग्राम वेन आरे का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसमें ये बताया था कि कैसे ना वेन डायग्राम को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे ना यार क्वेश्चन लेके आंसर को पहचाना जाता है। तो पार्ट वन के वीडियो में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ और चार पांच क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस में आज हम ये पार्ट टू का भी वीडियो सॉल्व करेंगे। तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, हमारा वेन आरेख में वैल है, वेल मछली, और जहाज है, और महासागर है। चार ऑप्शन हमको गिवेन है, तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, वेल, जहाज और महासागर, तो तीनों में सबसे बड़ा हमारा महासागर है। देखिए महासागर, ये महासागर है, और महासागर के अंदर हमारा वैल मछली भी होता है और जहाज भी होता है। तो ये हो गया हमारा महासागर, महासागर के अंदर ये वेल मछली हो गया और ये हमारा जहाज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो देखो, चमड़ा पानी जंतु के लिए सही वेन डायग्राम कौन है। देखिए, जंतु होता है ना एनिमल, तो एनिमल से ना हम चमड़ा बनाते हैं, चमड़ा। तो जंतु सबसे बड़ा है, जंतु से हम क्या बनाते हैं, चमड़ा। तो यहाँ पर देखिए, ये जंतु हो गई है, ये बड़ा वाला जंतु, और जंतु से क्या बनता है, जंतु के अंदर क्या होता है भाई, जानवर के अंदर चमड़ा ना, चमड़ा बनता है चमड़ा। और पानी, पानी ना डिफरेंट है, जंतु का चमड़ा से रिलेटेड रिलेशन है, लेकिन पानी सबसे डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए ये वेन डायग्राम सही होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए हाथ पैर और शरीर। तो देखिए, शरीर सबसे बड़ा, शरीर से रिलेटेड, शरीर के अंदर हमारा हाथ भी आता है और पैर भी आता है। तो देखिए, ये हमारा शरीर हो गया बड़ा वाला, ये शरीर हो गया, शरीर के अंदर ही हमारा क्या आ गया, हाथ भी आ गया और ये हमारा पैर। सी हमारा क्या हो गया, शरीर, और शरीर के अंदर हाथ भी आ गया, पैर आ गया। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन चार देखिए, अब कार पार्क उपग्रह। तो देखो, कार पार्क उपग्रह ना तीनों अलग अलग, कार अलग है, पार्क अलग है, उपग्रह, तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो देखियो, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कार हो गया, ये पार्क हो गया, उपग्रह, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर पांच में देखिए, लिखना बोलना और संचार। तो देखो दोस्तों, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये संचार बड़ा है, क्योंकि लिखना है ना, जब हम लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हम लिख रहे हैं, तो एक प्रकार का हम संचार ही तो कर रहे हैं, सूचना को हम एक जगह दूसरे जगह तो संचार कर रहे हैं। और जब आप बोलते हो तो बोल के भी आप संचार ही तो करते हो, तो लिखना और बोलना तो संचार के अंदर आएगा। तो ये हमारा संचार हो गया है, संचार, और संचार का मतलब होता है लिखना, कि वो लिख के भी हम संचार करते हैं और बोल के भी हम सूचनाओं को संचार करते हैं ना। तो ये हमारा सही आंसर होगा। छठवा प्रश्न को देखिए, मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। देखिए, मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। देखिए, ट्रक भी हमारा मालवाहक गाड़ी ना, इसमें भी तो हम माल को भर के ले जाते हैं, वैन गाड़ी में भी हम माल को यानी कि सामान को भर के ले जाते हैं। तो मालवाहक गाड़ी के अंदर ट्रक भी आएगा और वैन भी आएगा। मालवाहक गाड़ी के अंदर क्या आएगा, ट्रक भी आएगा और वैन भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ये मालवाहक गाड़ी हो गया, मालवाहक गाड़ी के अंदर ट्रक भी आ गया और ये वैन भी आ गया। अब देखिए, सातवां प्रश्न, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। यहाँ पर देखिए आप, अंग्रेजी अलग भाषा है, चाइना अलग भाषा है, और फ्रेंच अलग भाषा है, तो तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए हमारा कौन सा, ये ऑप्शन सही होगा, ये अंग्रेजी भाषा अलग है, चीनी अलग है और फ्रेंच अलग है, तीनों डिफरेंट है। देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान देखो, विज्ञान, विज्ञान के अंदर ना हमारा भौतिक विज्ञान भी आता है और जीव विज्ञान भी आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इस कंडीशन में ये हमारा विज्ञान को डिनोट करेगा, सबसे बड़ा विज्ञान है, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान भी आ गया और जीव विज्ञान भी आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टिक मार रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ ना पार्ट वन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा यार, अभी भी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सच में यार गाइस उसको देख लोगे, लिटरली बोल रहा हूँ आपको ना, वेन डायग्राम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जाकर एक बार ज़रूर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, फूल, फल और पत्ते। देखो,
फूल अलग चीज है, फल भी अलग है, और पत्ती तीनों अलग अलग, फूल फल पत्ती अलग अलग है, तो फूल फल पत्ती अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए ऑप्शन राइट होगा। अब दसवां में देखिए, जूते घास और मोबाइल, तो तीनों का भी कोई कनेक्शन नहीं है, जूता अलग हो गया, घास अलग, मोबाइल अलग, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए वेन आरेख सही होगा। फिर देखिए यहाँ पे, बाघ भैंस और पशु, देखो बाघ भैंस और पशु दिया है, तो देखिए ये बाघ भी तो हमारा पशु है, बाघ भी तो पशु है, एनिमल है, भैंस भी हमारा एनिमल है, तो ये एनिमल सबसे बड़ा एनिमल, एनिमल एक फैमिली है एनिमल नामक, तो एनिमल के अंदर कौन आएगा, बाघ भी हमारे पास एनिमल है, ये बाघ और भैंस, भैंस भी तो हमारा एनिमल है ना, तो एनिमल के अंदर हमारा बाघ आ गया और ये पशु, ये क्या आ गया, भैंस भी आ गया, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें क्या, इंडोर खेल, चेस और कैरम, तो देखो ये इंडोर खेल के अंदर, इंडोर यानी कि जो घर के अंदर खेलते हैं यार, वो इंडोर गेम होता है, तो इंडोर में तो हम चेस को भी खेलते हैं और कैरम को भी, तो ये हमारा इंडोर गेम हो गया, इंडोर, और इंडोर गेम बड़ा है, इंडोर गेम के अंदर चेस भी खेलते हैं इसी के अंदर, इंडोर गेम में हम कैरम भी आता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 13 नंबर में है कपड़ा शर्ट और ताला, देखो कपड़ा अलग है, शर्ट भी और ताला, देखो यहाँ पर कपड़ा शर्ट और ताला, देखिए यहाँ पर ना आप समझिए अलग है कि नहीं है, पहले इसको चेक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ना कपड़ा और शर्ट, तो शर्ट के अंदर ना हमारा कपड़ा भी आता है, लेकिन ताला डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा शर्ट हो जाएगा, और शर्ट के अंदर ये कपड़ा आएगा, क्योंकि शर्ट बड़ा हिस्सा है ना, शर्ट, शर्ट के अंदर कपड़ा आता है, क्योंकि ये बड़ा सा शर्ट रहता है ना, उसी को तो हम कपड़ा बनाते हैं ना कटिंग करके, और ताला तो डिफरेंट है, ताला के लिए अलग सिंबल हो जाएगा, तो ऐसा कहाँ है हमारे पास, ये सी। देखिए अब 14 नंबर में आइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु, तो ये तो सिंपल है, देखिए परमाणु, परमाणु के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन भी आता है और परमाणु के अंदर हमारा क्या आता है, प्रोटॉन भी आता है, तो ये परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया और प्रोटॉन भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, अंगूर दिया है, अनानास दिया, फल, तो देखो फल ना, फल, ये फल है, तो फल, अंगूर भी तो हमारा फल में आ रहा है और अनानास भी क्या आ रहा है, फल में आ रहा है, तो ये राइट आंसर होगा। शिखर बादल और पर्वत, तो देखो यहाँ पे पर्वत और शिखर एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन बादल अलग है, तो देखो ये हो गया है हमारा शिखर पर्वत, और पर्वत में ही तो शिखर होता है, लेकिन ये जो बादल है, बादल डिफरेंट है, तो ऐसा हमको कहाँ पे दिख रहा है, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 17 नंबर में टीवी दिया है, कैमरा दिया और ट्रेन दिया है, तो टीवी, कैमरा और ट्रेन तीनों डिफरेंट है, टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है, टीवी, कैमरा और ये ट्रेन हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन सी में है। अब 18 देखिए, बटन, पेन और ये कमीज, तो देखिए तीनों में कुछ रिलेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कमीज, तो कमीज में ही तो बटन लगा होता है, देखिए कमीज, और कमीज में हमारा क्या लगा रहता है, बटन, लेकिन ये पेन डिफरेंट है, पेन ठीक, तो ये सही हो जाएगा ये वेन डायग्राम। फिर देखिए 19 नंबर, 19वां क्वेश्चन, लहसुन दिया है, अदरक दिया है और मिर्च दिया है, इसके लिए सही वेन डायग्राम क्या, देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए यकृत दिया है, हृदय दिया है और अंग दिया है, तो देखो अंग, ये अंग है, तो यकृत भी तो हमारा एक अंग है और जो हृदय है, हृदय ये भी हमारा क्या है, एक अंग है, यकृत ये हमारा अंग है, अंग, तो यकृत भी हमारा क्या है, अंग है, और हृदय भी हमारा क्या है, अंग है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। ये हमारा पार्ट टू वीडियो था, पार्ट थ्री में मैं इससे आगे का सवाल कराऊंगा वेन डायग्राम का, इससे पहले पार्ट वन वाला वीडियो जरूर देखिए यार, बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।